हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ओप्पो के लेटेस्ट स्मार्टफोन का। और ये है ओप्पो का F15 और ये मॉडल 16 जनवरी को लॉन्च हुआ है और ये रिलीज होगा जनवरी 23 को। और इसकी प्राइस है 19,990 रुपीज़ और आप इसे अभी प्री बुक कर सकते हैं। प्री बुक करने के लिए आप ओप्पो के रिटेल आउटलेट पे विजिट कर सकते हैं एंड इसे ऑनलाइन भी प्री बुक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट डिटेलिंग। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस स्मार्टफोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन और ये कुछ इस तरह का दिखता है। और इसकी वेरिएंट आप यहाँ देख सकते हैं 8 GB एंड 128 GB। सो 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ इंटरनल मेमोरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो A15 इसका मॉडल है। और आइए अब इसके स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। ये एक क्वाड कैमरा स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और जो अदर टू कैमरास हैं वो 2 मेगापिक्सल्स के हैं एंड फ्रंट में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। इस फोन में हमें मिलती है 4000 mAh की बैटरी। इसका वेट है 172 ग्राम्स, इसलिए ये है एक स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट स्मार्टफोन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इस मोबाइल के बैक साइड पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ मिलता है 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा एंड वूक फ्लैश चार्ज 3.0 प्रोवाइड किया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट 3.0 भी प्रोवाइड किया गया है और इसकी डिस्प्ले है Full HD+ AMOLED। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी की डिटेल्स, हमें मिलता है 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ इंटरनल मेमोरी और इस मोबाइल का कलर है यूनिकॉर्न वाइट। तो फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स जानने के बाद चलिए अब क्विकली करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है एक छोटा सा पैकेट और इस पैकेट में हमें मिलता है सिलिकन केस और वारंटी पेपर्स एंड कुछ ब्रोशर्स और यह है सिम इजेक्टर पिन। और इसके बाद हमें मिलता है ओप्पो का स्मार्टफोन ओप्पो F15 और फिलहाल रखते हैं इसको साइड में। और यहाँ आप देख सकते हैं हमें मिलता है 4 एम्पियर का फास्ट चार्जर। ये अडाप्टर प्रोवाइड करता है वूक फ्लैश चार्जिंग। कंपनी ने क्लेम किया है विथ 2 आवर्स ऑफ टॉक इन ए 5 मिनट चार्ज और 50% इन 30 मिनट्स। और ये अडाप्टर वाकई में बहुत ही हैवी अडाप्टर दिख रहा है। एंड इसकी डेटा केबल, सो टाइप सी डेटा केबल प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वूक चार्जिंग और ये ग्रीन कलर का USB कनेक्टर आप देख सकते हैं और ये है टाइप सी। एंड इसके साथ हमें मिलता है एक ईयरफोन। तो ये थी इसकी एक्सेसरीज और ये है ओप्पो का न्यूली लॉन्च्ड F15 स्मार्टफोन और यहाँ पे दी गई कुछ डिटेल्स जो मैंने ऑलरेडी कवर की है। आइए अब हटाते हैं इसको इसके स्लीव से और देखते हैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस स्मार्टफोन इज रियली गुड और ये बहुत ही स्लिम है और लाइट वेट का स्मार्टफोन है। सो मैंने पहले बताया 172 ग्राम्स का ये फ़ोन है, सो स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट फ़ोन आप कह सकते हैं इसे। इसे कर लेते हैं बूट। और ये देख सकते हैं इसकी बैक साइड और बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कैमरा दिया गया है, क्वाड कैमरा 48, 8, 2, 2 एंड ये है इसका फ्लैश। डिज़ाइन फॉर F सीरीज। सो और यहाँ पे है कुछ डिटेल्स, ओप्पो का लोगो आप देख सकते हैं बॉटम साइड में। और आप देख सकते हैं इसकी डेमो की जो एक फ्लैश वीडियो है वो स्टार्ट हो गई है। स्मार्ट असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया गया है इस मोबाइल में एंड नेविगेशन गेस्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं।
सो शूटिंग मोड के बारे में बताया गया है, अल्ट्रा नाइट मोड प्रोवाइड किया गया है, सो गेम स्क्रीन शॉट्स भी आप ले सकते हैं, गेम असिस्टेंट, और ये है आपका ओप्पो A15। सो सबसे पहले मैं इसकी सारी साइट्स आपको दिखा दूं। और बॉटम में हमें मिलता है टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक, एक माइक एंड स्पीकर। और इस स्मार्टफोन का पावर बटन हमें राइट साइड में मिलता है, जिसे आप लॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन को ऑफ़ करने के लिए आपको इसे पावर बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। जब आप स्लाइड कर दिएगा आपकी तरफ तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, बॉटम की तरफ ये पावर ऑफ हो जाएगा। और इस फ़ोन के टॉप पे हमें मिलता है एक नॉइज़ कैंसिलेशन माइक। ये इसकी टॉप साइड। और इस स्मार्टफोन की लेफ्ट साइड में हमें मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, और उसके ऊपर लगा है सिम ट्रे। और एक अच्छी बात यह है कि हमें इस सिम ट्रे के साथ मिलता है मेमोरी कार्ड स्लॉट, और इसकी मेमोरी को एक्सपेंड किया जा सकता है 256 GB तक। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सिम ट्रे को ओपन करके, और सिम इजेक्टर पिन की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और सिम इजेक्टर पिन को पुश करते ही सिम ट्रे बाहर निकल जाएगा और इसे आप कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है और एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है। सो ओवरऑल इसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है, और एक प्रीमियम क्वालिटी का डिज़ाइन दिख रहा है, और एक अच्छी ग्रिप मिलती है इस स्मार्टफोन में। और यहाँ पे आप एक शॉर्टकट ऐप के लिए पॉपअप विंडो देख सकते हैं, जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड ऐप पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ डिटेल्स को, और डिवाइस नेम देख सकते हैं ओप्पो A15 और एंड्रॉयड वर्जन 9, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इस मोबाइल में हमें मिलता है मीडिया टेक का हेलियो P70 प्रोसेसर, और इसमें मिलती है हमें 8 GB की रैम एंड 128 GB ऑफ इंटरनल मेमोरी। आउट ऑफ 128 GB 105 GB ऑफ मेमोरी इज अवेलेबल, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्जन। एंड और यहाँ से फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड को सेट किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट 3.0, और मैं ट्राई करूँगा कि इस स्मार्टफोन पे आफ्टर 10 डेज और 15 डेज एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, और वहां कंप्लीट सेटअप, सारी पासवर्ड्स और फिंगरप्रिंट एंड फेस की सारी सेटअप आपको बताऊं उस वीडियो में। आइए अब इसके कैमरे को देख लेते हैं। सो मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की है, आपको सबसे पहले वो पिक्चर्स दिखा दूँ। और इस मोबाइल में हमें मिलता है 6.4 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। यह है कुछ पिक्चर्स जो मैंने फ्लावर की ली है, और आप इसकी डिटेल को देख सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स प्लीज नोट दैट दिस वीडियो इज नॉट ए रिव्यू वीडियो एंड दिस सैंपल्स आर टेकन टुडे जस्ट टू डेमोंस्ट्रेट यू द क्वालिटी ऑफ कैमरा। आइए कुछ लाइव सैंपल्स आपको दिखा दूं। और यहाँ से आप इसके वाइड कैमरे को यूज़ कर सकते हैं, सो दिस इज़ नॉर्मल फोर पिक्स आप देख सकते हैं। और ये है इसका वाइड एंगल कैमरा, और अभी आप देख सकते हैं ये वाइड एंगल कैमरा स्टार्ट हो चुका है, और कुछ इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों में मैं डिफरेंसेस दिखा दूं आपको, तो दिस इज़ वाइड एंगल शूट, और ये है नॉर्मल शूट, और ये वाइड एंगल शूट। सो डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि सेम डिस्टेंस पे वाइड एंगल कैमरा कैसे वर्क करता है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। नाइट मोड दिया गया है, पैनोरमिक व्यू दिया गया है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप
यूज़ कर सकते हैं इस कैमरे को, कैमरे के फीचर्स। आइए मैं आपको बताता हूँ जूम कैसे यूज़ करना है। और इस मोबाइल में आप अप टू 5x जूम कर सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं 5x, आप इस पर क्लिक करिएगा तो 1x, 2x एंड देन 5x, कुछ इस तरह से आप इसके जूम को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके फ्रंट कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया गया है। इस मोबाइल में हमें मिलता है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, और स्क्रीन प्रोटेक्शन में हमें मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और मिलती है हमें 90.7% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और इस फ़ोन में हमें मिलता है कलर OS 6.1.2, और इस OS के साथ हमें मिलता है स्मार्ट असिस्टेंट, स्मार्ट बार एंड राइडिंग मोड। सो इसकी रिलीज डेट है 23rd of January, सो 23rd January से ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी ओप्पो F15 के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।